हेलो गाइस, सो आज हम जिनके बारे में जानने जा रहे हैं उनका गूगल ने डूडल लगाया है। डूडल क्या होता है? जैसे कोई भी सेलिब्रिटी होता है या कोई ऐसा इंसान होता है जिन्होंने किसी भी फील्ड में स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए किसी मेडिकल में या आर्ट में अपना कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, तो और वो काफ़ी कम फेमस हैं या उनके बारे में कम लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी पहले ही अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। जैसे नजीहा सलीम जो है वो एक फीमेल थी और ये आर्ट के फील्ड में थी, एक पेंटर थी। अपनी पेंटिंग की वजह से ये काफ़ी फेमस थी। इनकी जो पेंटिंग है वो आज भी काफ़ी पॉपुलर है। इनके बारे में यह जो इराक के प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक बात कही थी, दैट फर्स्ट इराकी वुमेन हु एंकर द पिलर्स ऑफ इराकी कॉन्टेम्परेरी आर्ट। यानी कि वो जो उस समय की जो आर्ट में थी, जो आर्ट उन्होंने डेवलप की थी, वो एक पिलर हैं कहाँ के लिए, जो इराकी जो आर्ट है उसके लिए। अब बात करते हैं कि उनका जो बायोडाटा है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो उनका जो जन्म था वो 1927 में तुर्की में हुआ था और उनकी जो मृत्यु, उनकी डेथ जो थी वो 15 फरवरी 2008 को 81 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बगदाद में हुई थी, बगदाद में उनकी डेथ हुई थी। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने आर्ट के फील्ड में डिग्री ले रखी थी। वो कहाँ से ली थी? द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स इन बगदाद, इस नाम से वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है या एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने अपनी आर्ट की स्टडी जो है कंप्लीट की थी। इराक जो कंट्री है वहाँ के फेमस आर्टिस्ट हैं अब्दुल कादिर अल रसम। ये क्या थे? फर्स्ट इराकी पेंट इन यूरोपियन स्टाइल में, यानी कि जो वहाँ पे इराकी जो पेंटिंग होती थी उनको यूरोपियन स्टाइल में अगर कोई लाया है तो वहाँ पे उनका लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है अब्दुल कादिर अल रसम। काफ़ी फेमस पेंटर हैं वहाँ के, आर्ट से रिलेटेड व्यक्ति हैं, बहुत ही फेमस हैं। तो ये जो व्यक्ति थे अब्दुल कादिर अल रसम, ये ऐसा बताया जाता है कि इनके पिता के कज़िन थे, यानी कि इनके चाचा जी या मामा जी ऐसे कुछ लगते थे। तो और इनके जो फादर और मदर थे, फादर और मदर जो थे वो भी आर्ट के फील्ड में थे, वो भी एक आर्टिस्ट थे। इनके जो पिताजी थे वो तो पेंटर थे और इनकी जो माताजी थी, इनकी जो मदर थी वो आर्ट के फील्ड में थी, एक आर्टिस्ट थी। इनकी माता भी आर्टिस्ट थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट था वो आर्ट से रिलेटेड था और यही कारण था कि इनकी जो इंटरेस्ट था वो आर्ट में ज़्यादा हुआ और उसकी वजह से इन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स इन बगदाद में एडमिशन लेके आर्ट में अपना कॉलेज पूरा किया और फिर उसी फील्ड में चली गई और एक फेमस पेंटर बनकर अपने सामने एक एग्जाम्पल सेट करके गई पूरे कंट्री के लिए। इसको बोलते हैं वुमन एम्पावरमेंट। ये एक एग्जाम्पल है महिला सशक्तिकरण का, कि कैसे एक महिला पूरे कंट्री में एक फेमस पेंटर के रूप में उभर कर सामने आती है। उनकी एक फेमस बुक है जो 1977 में पब्लिश हुई थी, ये उसका नाम है द इराक कंटेम्प्रेरी आर्ट। ये सोर्स, एक जो ऑथेंटिक सोर्स होता है उसके अंदर इसका नाम आता है, किसके लिए? अर्ली डेवलपमेंट ऑफ इराक्स मॉडर्न आर्ट मूवमेंट। जो इराक का जो मॉडर्न आर्ट है, वहाँ का जो आधुनिक कला है, उसका जो मूवमेंट है, आंदोलन है, वो किस प्रकार से डेवलप हुआ, उसके बारे में ये ऑथेंटिक सोर्स है। ऑथेंटिक सोर्स बताया जाता है इसको। तो इस तरीके से जो नाजिमा सलीम हैं उन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया आर्ट के फील्ड में और इसीलिए गूगल ने उनका डूडल लगाया है। हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू।